नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि लॉकडाउन का पालन करें और कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर के ही कहीं पर बैठे लोगों से बात करें और घर के लोगों से भी हटके ही बात करें। शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिएगा। लगातार भारत उदय समाचार आप सभी लोगों के लिए न्यूज कवर कर ग्राउंड रिपोर्ट लाता है। सबसे बड़ी बात जानकारी दे दें कि यहाँ जो दृश्य देख रहे हैं, दरभंगा के कलेक्टर एस एम त्यागराजन, SSP बाबूराम, CTSP योगेंद्र कुमार, वहीं नगर आयुक्त जो है वो और वैजयंती खेरिया जो मेयर हैं, वो सभी यहां पर मौजूद हैं। और ये ऐतिहासिक मैदान राज मैदान है दरभंगा का। अब हम आपको बता दें कि दरभंगा जिला में ही नहीं पूरे देश भर के लिए राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं देश के, उन्होंने एक ट्वीट कर आह्वान किया था, हेल्प मांगा है NCC से। NCC के जो युवा हैं उनसे मांगा है हेल्प। अब हम आपको पूरी जानकारी दे दें कि NCC का जो मुख्य होता लक्ष्य है युवाओं की देशभक्ति की भावना को धारा देना, तथा NCC का गठन 16 अप्रैल 1948 को किया गया था। इसी NCC से रक्षा मंत्री ने मांगा है मदद। NCC में शामिल युवा लड़के और लड़कियों को कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग मिल रही है, जिससे कि वे आने वाले समय में सेना में शामिल होकर अपवाद ना बने। उनके शरीर को ट्रेनिंग के दौरान तैयार किया जाता है। NCC भारत के लगभग हर स्कूल और विश्वविद्यालय में मौजूद है। NCC यानी कि राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स, NCC भारत के युवा सैन्य संगठन में से एक है। NCC का गठन युवाओं में सेना के प्रति जागरूकता लाने और उन्हें सैन्य स्तर पर तैयार करने के लिए किया गया था। NCC का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। NCC का संबंध भारत की तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना और वायुसेना से है। आइए विशेष कवरेज के रूप में देखते हैं। शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले दरभंगा के कलेक्टर का इंटरव्यू, उसके बाद SSP का इंटरव्यू, उसके बाद दरभंगा के कलेक्टर का जो यहाँ स्पीच है वो है, और SSP ने इस बारे में क्या कहा है वो है, और नगर आयुक्त का SSP जो भाषण है वो लाया गया, इसका क्या कारण है? देखिए, NCC को लेकर के हम लोग सब्जी बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये लोग भी कल से सेवा देना शुरू करेंगे, और दुकानदार को जो डिस्टेंस के साथ बिठाना है और जो आते हैं उनको रेगुलेट करना है। किसी भी व्यक्ति एक दूसरे से 1 मीटर से ज़्यादा दूरी पर ही रहें, 1 मीटर से कम दूरी पर नहीं रहें, ये मैसेज मेन बाज़ार में हम लोग कर रहे हैं। और सभी ग्रामीण इलाकों में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि सब्जी बाज़ार बड़े इस एरिया में 1 मीटर 2 मीटर की दूरी पर रोकें। प्रशासनिक व्यवस्था कैसे, क्या कोरोना के समय में किया गया है? कोरोना संक्रमण के प्रसार को लेकर अभी हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं सब्जी मंडी को रेगुलेट करने के लिए। जो थोक की सब्जी मंडी है गुदरी बाजार, उसको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है राज मैदान में। और इसके अलावा नगर निगम अपने स्तर से सभी वेंडर्स के साथ बातचीत करके ये व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो ठेला वाले हैं उनको वार्ड आवंटित कर दिया जाए और अपने वार्ड में वो घूम घूम के घरों में ही सब्जी पहुँचाएँ, ताकि लोगों को बाहर निकलना ना पड़े। इसके अलावा सरकार के निर्देश को देखते हुए हम लोगों ने पूरे जिला की सीमा पर 13 अंतर जिला चेक पोस्ट बनाए हैं, जहां शिफ्ट में 24 घंटे ड्यूटी पुलिस कर रही है। वहां CCTV कैमरे लगाए गए हैं, ताकि किसी भी अनधिकृत गाड़ी को जिला में प्रवेश न करने दिया जाए। और जो अधिकृत गाड़ियां हैं एसेंशियल सर्विसेज में लगी हुई हैं, उनमें भी कोई पैसेंजर के रूप में कुछ लोग यहाँ जिला में ऐसे प्रवेश न करने पाएँ। अगर कोई भी व्यक्ति जिला में प्रवेश करता है तो उसकी सूचना हम लोगों को मिल जाए, तत्काल उसकी मेडिकल जांच और उसको क्वारंटाइन किया जा सके। इसके अलावा पूरी पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वाहनों के मूवमेंट को और जो लोग अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकल रहे हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। और ये ड्राइव हम लोगों ने चलाया है, उन लोगों का लक्ष्य है कि कम से कम प्रत्येक दिन 200 ऐसी गाड़ियों के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। और जो लोग अनावश्यक रूप से रोड के ऊपर पाए जाएंगे, सार्वजनिक स्थानों पर पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध FIR दर्ज की जाएगी और कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थैंक्स। पहले सर्वे कर लेंगे कि कितने प्रकार के दुकान, अभी हमें बताया गया कि 13 कुछ लगते हैं 150 के आसपास, कुछ लोग बाहर से जो आने वाले ट्रक से माल लेते हैं, कुछ लोग स्थानीय लेवल पर सब्जी देते हैं। इन लोगों को सूची बना करके हम लोग स्थान नंबर दे देंगे। अगर 200 लोग हैं यहाँ पर सर्वे के बाद, पहले सर्वे कर लीजिए। अगर सर्वे के बाद आपको पता चला कि 200 लोग हैं, उसमें जो आप में से लीडर होंगे है ना, तो आपका लीडर कुछ हाथ उठाए कृपया। अच्छा, आप हैं तो आप नहीं सब्जी वाला नहीं, आपके NCC का तो, हाँ, क्या नाम हुआ आपका? हाँ, वैभव झा जी क्या करेंगे, 2 आदमी को पहले लगा देंगे, तो वो पूरा सर्वे करा करके आपको सूची दे देंगे। आपको स्थान निर्धारित कर देना होगा, कौन कहाँ बैठेगा, और वहां पर नंबर लिखवा देना होगा नगर निगम के मदद से, और उस जगह पर ही वो बैठे
उसमें आगे पीछे नहीं जाए और एक दुकान के एक दुकान दूरी 1 मीटर वहां से यह सुनिश्चित करना होगा कि ये दूरी पर ही लोग बैठे और सब्जी बेचे, इसका कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। नंबर दो, जो लोग आ रहे हैं 2 मीटर की अगर अच्छी बात है 2 मीटर कर लीजिए, 2 मीटर कर लीजिए, 1 मीटर से ज्यादा ही रखिए। और इसके बाद आपका जो लोग आ रहे हैं वे लोग भी ग्रुप अभी में देख रहा हूँ कहीं के एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ खड़े हैं, वहां का कुछ लोग बिना काम का भी होगा, ये सब तो रेगुलेट करना होगा। अगर कोई भी सब्जी खरीदने के बहाने मॉर्निंग वॉक के लिए आ रहा हो, बिना काम को घूम रहा हो, तो सबको बताना होगा और चिन्हित करके आपको स्थानीय थाना को सूचित कर देंगे। ये आदमी रोज में देख रहा हूँ कि रोज आता है, घूमते रहता है, मॉर्निंग वॉक से खड़े जाता है, तो कोई काम नहीं, रोज तो कोई सब्जी खरीदना नहीं आना चाहिए, ये आपको करना है। लेकिन किसी से उलझना नहीं, आपका काम किसी से उलझ करके कोई लॉन और लड़ाई झगड़ा हो जाए फिर उसके वजह से और दूसरे तरह का प्रॉब्लम, ये नहीं करना। तो प्यार से पोलाइटली बट फर्मली बताना है, अगर कोई सुन नहीं रहा है तो आपको कार्रवाई करने के लिए आना है। और आपको स्थानीय थाना का नंबर ले लीजिए, रविवार जी के माध्यम से आपको सूचना मिल जाएगी। नगर आयुक्त साहब और वार्ड पार्षद का भी नंबर आप रखिएगा, कोई भी समस्या हो तो आपको तुरंत बताना है। सो बेसिकली आपको सोशल डिस्टेंसिंग को रेगुलेट करने का काम है, वो दुकानदार हो चाहे वो कोई भी। तो चाहूंगा नगर आयुक्त साहब आप लोग विजिट करके बैरिकेडिंग भी अगर लगवाना हो वो भी लगवा दी। बैरिकेडिंग लगने से क्या होगा कि दुकानदार इस तरफ रहेगा, लोग उस तरफ रहेंगे, दूरी अपने आप बनाए रहेगा यहाँ पर और पोलो ग्राउंड में। तो मैं नगर आयुक्त और सिटी एसपी को बधाई देना चाहूंगा कि तुरंत जो है ये लोग सभी वार्ड पार्षद के सहयोग से यहाँ पर पोलो ग्राउंड में शिफ्ट करने के काम किया। मैं तो चाहूंगा आप लोगों में से जो 50 लोग अभी लगभग हैं और लोगों को भी सूचना दीजिए, एनसीसी में अगर हैं तो इससे बड़ा मौका कभी नहीं मिलने वाला। सभी हमारे वरीय पदाधिकारीगण और हमारे एनसीसी के यहाँ सभी जवान, एनसीसी के पदाधिकारीगण, अभी जो कुछ बातें मैंने सुनी वो मुझे बड़ी अच्छी लगी। एक तो हम लोगों ने प्रयासित करके यहाँ जो हम लोग लाए हैं इसके लिए इतना बड़ा यहाँ एरिया है कि पार्किंग भी आसानी से हो सकती है और दो दुकानों के बीच में जो मिनिमम दूरी है उससे डबल दूरी को हम मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं तो मेरा तो सुझाव रहेगा कि कोई भी दो दुकान के बीच में 3 मीटर की हम दूरी रखते हैं और जितने लोग हमारे यहाँ जो दुकान लगा रहे हैं उनकी हम एक सूची संधारित करें, उनके लिए ग्राउंड पे अगर हो सके तो हम लोग स्थान मार्क कर दें कि उसी स्थान पे अपनी दुकान या ठेला लगाएंगे। और इसके अलावा जो बाहर से सब्जी लेके गाड़ियां आती हैं या जो पब्लिक यहाँ सब्जी खरीदने आती है तो उस पर भी हम लोग विचार करेंगे कि उनका भी कुछ लेखा जोखा हम लोग यहाँ संधारित करें। और जो जैसे बाहर से गाड़ियां आती हैं उनमें जो कर्मी होते हैं उनकी तो स्वास्थ्य जाँच की बात रखी गई है और मैं तो समझता हूँ कि कुछ ना कुछ पब्लिक पे भी हम लोग विचार करेंगे, पब्लिक की कैसे स्क्रीनिंग हम लोग यहाँ करें जो पब्लिक आती है। और हमारे जो एनसीसी के जवान अपनी सेवा देने के लिए यहाँ तक पर खड़े हैं, इनसे हम लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। आज संकट की घड़ी में हर व्यक्ति को अपना कुछ ना कुछ योगदान देना होगा, हर व्यक्ति को यह सोचना होगा कि इस संकट की घड़ी में राष्ट्र के लिए मैंने क्या त्याग किया। कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय अपना रोजगार उसको सेक्रीफाइस करके अपने घर में कैद है, कोई व्यक्ति इसके लड़ने के लिए रोड पे आके स्वास्थ्य कर्मी के रूप में या प्रशासन के अन्य सहयोगी के रूप में अपना काम कर रहा है। इसलिए इसमें जो तकलीफ हम लोगों को हो रही है उसको हम लोग तकलीफ नहीं माने, उसको हम लोग राष्ट्र सेवा माने कि हम लोगों की इस लड़ाई में अपना योगदान किसी न किसी रूप में दे पा रहे हैं। और जो पब्लिक यहाँ आती है उसको भी हम लोग इंसिस्ट करेंगे कि मास्क पहन के ही आए। अब पूरे देश में सरकार ने इस चीज को रिकमेंड कर दिया है कि ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे कोई आम जन भी बिना मास्क के ना रहे। अगर किसी एक व्यक्ति को भी संक्रमण है और वो ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे खांसता है छींकता है किसी भी तरीके से वो दूसरे लोगों को इस संक्रमण का प्रसार कर सकता है। अगर हर व्यक्ति हर ग्राहक यहाँ मास्क पहन के आएगा उससे भी खतरा बहुत कम हो जाएगा। और पुलिस का तो आपको हमेशा सहयोग रहेगा ही, पुलिस की टीम रहेगी रहेगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने तमाम सलाह के बावजूद अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं। तो
उनके लिए भी हम लोग कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। एनसीसी के जवानों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी अपना तमाम प्रिकॉशन रखें, मास्क तो आपको एटलीस्ट हम लोग उपलब्ध करा ही देंगे और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी कुछ ना कुछ यहाँ कर ही देंगे, जिससे कि आप लोगों को हाथ धोने में सैनिटाइजर साबुन पानी उस चीज की समस्या ना आए और तमाम सावधानी के साथ। और इसमें हम लोग को पूरा सोच समझ के पूरा अनुशासनात्मक रूप से एक्ट करना होगा और ये दिखाना होगा कि भाई हम लोग इस गंभीर बीमारी के प्रति सजग हैं और अपने कार्य के साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी बार बार बताया जा रहा है उसको हम लोग फॉलो अप करेंगे, तभी हम इस जो संकट है उससे निकल पाएंगे। और इसी क्रम में जितने हमारे एनसीसी के यहाँ पे कैडेट कॉर्प्स आए हैं उनसे मेरा अनुरोध होगा कि कल से आप लोग इस कार्य में लग जाएंगे, युद्ध स्तर पे कार्य करेंगे और जो भी जहां पे आपको ड्यूटी मिलेगी क्योंकि अलग अलग जगह हम लोग ने चिन्हित किए हैं वो आपको सूचना मिल जाएगी, वहां पे आप लोग उपस्थित रहेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी सब्जी मंडी में जो भी हमारी दुकानें लग रही हैं वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लगे, लोग जो है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस और सोशल डिस्टेंसिंग का जो कंसेप्ट है उसको फॉलो करते हुए ही सब्जी खरीदे। जैसे अभी आपने देखा ये जो सर्कल में आप लोग खड़े हुए हैं लगभग एक मीटर की दूरी में आप डिस्टेंस फॉलो किए हुए हैं, तो इसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हुए जो भी सब्जी खरीदे तो आप ये चीज सुनिश्चित कीजिएगा। और अब हम लोग इस चीज को और रिग्रेसली कराएंगे जिससे अभी तक जो हमने किया है, देखिए अभी मेन हम लोग का ये देखने वाली बात है कि अब हम कैसे करवा पाते हैं। अभी तक हमने किया पूरा जिला प्रशासन पूरे यहाँ के लोग सबने बहुत मेहनत की हर फ्रंट पे जिससे हम लोग काफी एक टाइम था जो निकाल चुके हैं, लेकिन अब आने वाले टाइम में और युद्ध स्तर पे हमें काम करना है, हर व्यक्ति को सजग होना है और मान लीजिए कोई नहीं फॉलो अप कर रहा तो उनको हम लोग को सुनिश्चित करना है। हर व्यक्ति की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहां पे आप लोग अपने परिवार से लेके पूरे समाज तक जितना हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं और जितना हम लोग इस पे एक्ट करेंगे कहीं ना कहीं डायरेक्टली हम लोग पूरे देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इससे बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी हमारे लिए नहीं है। देखिए ऐसा जो क्राइसिस का टाइम आता है उसी में हम लोग को परफॉर्म करना होता है और हम लोग सौभाग्य से इसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम इस पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और इस घड़ी में हम लोग ये दिखाएंगे कि भाई दरभंगा के सारे लोग जो है वो कोरोना के प्रति सजग है और पूरी मेहनत और पूरी तत्परता के साथ इसके विरुद्ध हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी क्रम में जितने भी हमारे विक्रेता भाई लोग हैं उनसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग सब्जी मार्केट को इस तरह से अरेंज कीजिए कि प्रशासन को तो मतलब सपोर्टिंग हैंड देना पड़े, ये चीज आप लोग की भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कल से हम इसको और रिग्रेसली फॉलो अप कराएंगे। यदि देखिए इसमें कोई त्रुटि पाई जाएगी तो कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी। जैसा कि अभी नवीन जी बता रहे थे कि भाई ये तो हम लोग ने लिबरल कर रखा है कि सब्जी मार्केट खुल रहा है, लेकिन यदि कोई भी नियम कानून को तोड़ते हुए पाया जाएगा तो हम लोग गाड़ी भी सील करेंगे, दुकान भी जब्त करेंगे और जो भी एक्शन ले सकते हैं वो लेंगे।